सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग वार्ता नंबर केशव भगवान और हम सभी के प्राणाधार शस्त्र स्वामी देवेंद्र महाराज जी के धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से ये सत्संग आराम करते हैं। सत्संग आराम करने के पहले प्रभु जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु सत्संग में आप स्वयं विराजमान होकर वाणी को शक्ति देना, बुद्धि को निर्भर करना, मन को शुद्ध करना और हृदय में वास करते हुए स्वयं आप सत्संग सभी भक्तों को ज्ञान देकर उन्हें आत्म संतुष्टि का दान प्रदान करना। इन्हीं प्रार्थना के साथ आइए आज हम सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में हमारी कृपा से जैसे कल जैसे थोड़ा आत्मज्ञान की बात चल रही थी, आत्मा ही सब कुछ है, सारा संसार आत्ममय है, जो हमें नाशवान दिखता है ये आत्मा का बाहरी रूप है, आत्मा संयम में अविनाशी है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, ज्ञानवान है, अनंत स्वरूप है, दिव्य है। तो आइए आज भी कुछ आत्मज्ञान की चर्चा में आगे बढ़ते हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त करके हम किस प्रकार सांसारिक इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में गुरु की कृपा से अगर हम उन चरणों की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करके हम अभ्यास करते हैं तो हमें यह आत्मज्ञान आत्मबोध हो जाता है और आत्मज्ञान होते ही ये सब तामसिक रासिक बातें हमारे अंदर से खत्म हो जाती हैं और हम परम पद पाने के अधिकारी बन जाते हैं। आइए एक तो ये हुई गुरु को प्रसन्न करके उनके चरणों में आकर उनके दिखाए हुए मार्ग को अपना कर, एक तो ध्यान योग के अभ्यास जिससे इच्छा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का विनाश हो, दूसरा ये है हर पल हम गुरु की कृपा से अपने आप को एक शुद्ध बुद्ध निरंजन पवित्र आत्मा अगर मान ले, जान ले, अनुभूति में ले आए, हम किस प्रकार इन तामसिक रासिक बातों से छुटकारा पा सकते हैं, इसी के ऊपर आज सत्संग की प्रेरणा गुरुदेव दे रहे हैं। गुरुदेव फरमाते हैं अगर हमारे अंदर उनकी कृपा से ऐसी धारणा आ जाए कि मैं पूर्ण हूं, मैं तृप्त हूं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं, इस धारणा के साथ हम अपनी इच्छाओं पर विजय पा सकते हैं। ऐसी धारणा कब होती है? जब हम हर पर ये
महसूस करेंगे कि परमात्मा भगवान गुरुदेव हर पल मेरे साथ हैं और मेरे अंतरात्मा में विराजमान। ये मेरी आत्मा गुरुदेव का ही स्वरूप है, यानी भगवान का ही स्वरूप है। मैं गुरुदेव से अभिन्न हूं, गुरुदेव मुझसे अभिन्न है। मुझे तो केवल गुरुदेव का ईश्वरीय स्वरूप ही चाहिए, उनकी ईश्वरीय सत्ता ही मुझे चाहिए। जब ऐसी चाहना कि हम विमान करते हैं, संसारी इच्छाएं सब हमारे अंदर से समाप्त हो जाती। एक व्यक्ति को हम दो चीज देते हैं, एक तरफ हीरा सोना और एक तरफ तांबा पीतल। व्यक्ति क्या लेगा, सोना या हीरे को पसंद करेगा? उसी प्रकार हमारे सामने दो बातें, या तो संसार को मांग लो या गुरुदेव के ईश्वरीय स्वरूप को मांग लो। ईश्वरीय स्वरूप एक ऊंच कोटि का है, ऊंच कोटि की वस्तु है, ऊंच कोटि की एक पावर है, जिसको प्राप्त करके फिर हमें और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। जिसको प्राप्त करके हम पूर्ण बन जाते हैं। तो इसलिए बालाजी फरमाते हैं, अपनी इच्छाओं के ऊपर विजय पाने के लिए केवल एक इच्छा रखो, गुरुदेव की प्राप्ति की। गुरुदेव हमें ईश्वर स्वरूप में मिल जाए, हमारे आत्मा में स्थित हो, मुझ संग उनका ईश्वर स्वरूप अभिन्न रहे। इस प्रकार के धारणा से हम संसारिक नाशवान इच्छाओं से, जो इच्छा है जन्म और मरण का कारण है, उन इच्छाओं से हम मुक्ति पा सकते। आगे गुरुदेव ज्ञान देते हैं कामना के ऊपर। काम जीव कामवश होकर नरक के द्वार तक पहुंच जाता है, जीव कामवश होकर मानसिक और शारीरिक रोगों से पीड़ित हो जाता है, अपने सत चरित्र को वो बैठता है और महादुखी होता है। दुख से पार पाने के लिए गुरुदेव क्या फरमाते हैं, प्रत्येक पुरुष स्त्री के पति, बहन या माता की भावना रखे, प्रत्येक नारी पुरुष के प्रति भाई या पिता का भावना रखे। इस प्रकार के भावना के साथ एक भावना रखे कि मेरे प्रियतम तो केवल मेरे सदगुरु भगवान, मेरे तो गिरिधारी गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो महाप्रभु रामलाल दूसरो ना कोई, दासी की प्रभु पीड़ मिटेगी
जब वैद्य प्रभु जी हुए, इस प्रकार का जब हम अंतरात्मा से गुरुदेव के चरणों के प्रति अथा प्रेम भावना रखेंगे, तो हमारे अंदर काम भावना की समाप्ति हो जाएगी। फिर हम काम भावना के वश में नहीं रहेंगे, न हमारा विनाश। और इसके साथ साथ महाराज जी फरमाते हैं, एक तो ये हुआ कि गुरु के प्रति इतना प्रेम रखो किसी अन्य के प्रति काम भाव उत्पन्न ही ना। इसके साथ साथ और क्या धारणा करो कि मेरी इंद्रियां मेरे मन के वश में है, मैं चाहूं तो इंद्रियों के द्वारा वो करूं, नहीं चाहूं तो ना करूं। इंद्रियां मेरे मन के वश में है और मेरा मन मेरे बुद्धि के वश में है। मेरी बुद्धि मेरी आत्मा के वश में है और मेरा स्वरूप मेरी आत्मा है। ये सत्य है। सभी जीव के अंदर एक एस्ट्रल बॉडी होती है जिसकी शक्ल आकार स्थूल शरीर की तरह होती है, परंतु वह दिव्य शरीर होता है। अंग्रेजी में इसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। ये शरीर अजन्मा होता है, अविनाशी होता है, दिव्य होता है, आनंद में होता है, प्रकाश में होता है। यह शरीर स्थूल शरीर से हट के निर्लेप रहता है, स्थूल शरीर में रहते हुए भी निर्लेप रहता है। तो मैं उस शरीर स्वरूप का नाम ही आत्मा। इसका तो मैं एक शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा हूं। आत्मा के वश में बुद्धि है, बुद्धि के वश में मन है और मन के वश में इंद्रियां। इस प्रकार अगर हम संयम को प्राप्त कर लेते तो हम काम भाव के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। योगी इसी प्रकार काम के ऊपर विजय प्राप्त करके पाप कर्मों से बचे रहते हैं, मोक्ष पथ की प्रति तरफ आगे बढ़ते हैं। हम भी इस प्रकार अपने आप को आत्म स्वरूप मानते हुए मन बुद्धि इंद्रियों को अपने वश में करते हुए केवल और केवल गुरु के स्वरूप के साथ प्रेम भाव रखते हुए अगर योग पथ पर चले तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में पूर्ण सफल होंगे। आगे पराजी फरमाते हैं, क्रोध, क्रोध के ऊपर कैसे विजय पा सकते। क्रोध तब आता है जब हम दूसरे को अपने आप से भिन्न मानते हैं, जब द्वेष आ जाता है, जब हम राग द्वेष में आ जाते हैं तब क्रोध आता है। राग का मतलब किसी के प्रति आसक्ति हो गई, आपने उसको चाहा नहीं मिला, क्रोध आता है। तो ये क्रोध है तब खत्म हो सकता है जब हम संसार में किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं मानेंगे। जब तक हम दूसरे प्राणी को, चाहे परिवार का सदस्य हो,
कार्यालय का सदस्य हो, व्यापार का सदस्य हो, समाज का सदस्य हो, जब तक हम उसे अलग मानते रहेंगे तब तक हमारे अंदर क्रोध बना रहेगा। इस क्रोध के ऊपर विजय पाने के लिए एक ही बात का ध्यान रखो कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, सभी आत्मा है, सभी के अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो क्रोध किस पे करोगे? जो मैं हूं वो भी तो वही है, सिर्फ मन बुद्धि रूप इंद्रिया ये भिन्न भिन्न है, परंतु प्रत्येक प्राणी के अंदर जो सत्ता है सत्ता तो परमात्मा का है। सत्ता तो एक, सत्ता एक है, मतलब हम एक दूसरे से अभिन्न है। अभिन्न है, क्रोध किस पे करेंगे? आपका बच्चा जब आपसे बहुत प्रेम करता है, आप भी करते हो, वो आपको बिल्कुल अपना लगता है, वो कितनी गलतियां कर ले आप क्रोध नहीं करते। थोड़ा उसका बच्चा जरा सा आपको कुछ कह दिया, आप उसके बाद क्रोध करते हो, क्योंकि उसके प्रति अपना तत्व नहीं है, अपने बच्चे पर है। पोता पोती कुछ कह भी देना, दादा दादी सब सहन कर लेते, कुछ नहीं कहता मेरा बच्चा कोई बात। इसी प्रकार जब हम पूरे संसार को अपना रूप मानेंगे, पराया कोई है ही नहीं, तब हम इस क्रोध से भी विजय पा रहे। एक कवि ने कहा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं तो दुनिया में खाने को पशु भी खाते हैं, परंतु जो जग में बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। जग में बांट के कौन खाता है? जो अपने आप को जग से अभिन्न मानेगा। जिस प्रकार आपके मुंह में दांत है, दांत आपके अपने हैं ना, कुछ खाते हुए कभी क्या होता है, दांत के बीच में जीव आ जाती है, जीव भी मेरी है दांत भी मेरे। जब मैं खाना खाती हूँ, बात करती हूँ, दांत हिलते हैं, परंतु जीव को बचा के रखती हूँ, क्योंकि जीव मेरी है। फिर दांत कई बार जीव को काट देते हैं अनजाने, फिर हम दांत का दोष तो नहीं देते, जीव दांत को कुछ नहीं कहता, तूने मुझे क्यों काटा। ये द्वैत मत जहां आती है वही कला क्लेश, वही क्रोध का वास होता है। कौरव और पांडव के बीच में इतना बड़ा घमासान युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को भाई भाई नहीं माना, भिन्न माना। कौरव कहते हम अलग बाप के बेटे, पांडव कहते तुम अलग बाप के बेटे, तो हम भी पांडु के अलग बेटे, तुम धृतराष्ट्र के पुत्र, हम पांडु के पुत्र। भिन्नता नहीं, उनके अंदर एक लड़ाई की दीवार खड़ी कर दी। नहीं तो क्या था, तो वो कहते हम आपस भाई भाई है, चलो तुम भी रह लो हम भी लड़ ले,
सर रल मिल रहे हैं, कहानी का तो लड़ाई खत्म। तो ये जो भिन्नता है, भेदभाव है, ये क्रोध का जड़ है। क्रोध को समाप्त करने के लिए संसार के प्रति अभिन्न भाव रख। वो कैसे कि जो परमात्मा उसमें, वो मेरे में भी है, और परमात्मा क्षमा के भंडार है। हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, परंतु वो क्षमा का सागर हमारी गलतियों को क्षमा कर देते। मेरा पिता, मेरे प्रभु अगर क्षमावान है, ये भी क्षमावान होना चाहिए। मैं भी किसी और की गलतियों को क्षमा कर दूं, और मैं क्षमा का भंडार ऐसी धारणा लाओ। और क्या धारणा लाओ? मेरे अंदर अपार शांति है, फिर तो क्रोध का कोई काम ही नहीं। जहां शांति होती है क्रोध नहीं होता, जहां शांति चली जाती है वहां अशांति क्रोध आ जाता। अगला, लोभ। लोभ भी इंसान को भगवत के पद से विचलित कर देता है। लोभ कब आता है? कि जब हमें संसारिक पदार्थों से संतुष्टि नहीं होती, जो मांगा प्रभु ने दे दिया, संतुष्टि नहीं है, और मांगता है और मांगता है, उसकी लोभ खत्म ही नहीं होती, क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट नहीं। ऐसे में मानो उसे भगवान मिल जाए, और तब उसकी क्या अवस्था होगी? वह चिर आनंदित हो जाएगा, सदा सदा के लिए आनंद हो जाएगा। उसके अंदर लोग जन्म के संसारिक वस्तु पाने की इच्छा खत्म हो गई। संसारिक वस्तु की इच्छा तब तक बनी रहती है जब तक हमें हमारी संतुष्टि नहीं होती। नाशवान वस्तुओं से कभी संतुष्टि नहीं आती। अविनाशी वस्तु नारायण, सतगुरु भगवान, इनकी ये सबसे उच्च पावर है, जिसको पाकर हमें संतुष्टि हो जाती है और चाहना खत्म हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति सबसे उच्च कोटि की प्राप्ति। उनको पाने के बाद हमारी और वस्तुएं पाने की लोभ लालसा खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक ही निश्चय करो, परमात्मा की प्राप्ति। जब परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी, फिर आप किस चीज की लोभ करोगे? तब तो आप पूर्ण तृप्त रहोगे, और उस समय आप ये कहोगे कि मैं नित्य तृप्त हूं, मुझ में असंतोष है ही नहीं, और मुझे किसी चीज की चाह या परवाह भी नहीं। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है,
मानव इतना संतुष्ट हो जाता है, उसे संसार की कोई लोग सताती नहीं। अब आपको समझ आ गई इच्छाओं से मुक्त कैसे रह सकते हैं? बस दस इच्छा से मुक्त कैसे रह सकते हैं, फिर काम को कैसे वश में कर सकते हैं, फिर अगला क्रोध वो कैसे वश में कर सकते हैं, नेक्स्ट लोभ इसको कैसे वश में कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ आ गई? अगला स्टेप है जो हमारे परमार्थ के पद पर बाधक रूप में खड़े रहते हैं, अगला है ममता। ममता माया, माया ममता को पैदा करती है। ममता के बीच वश में आकर जीव उच्च स्तर से नीचे स्तर तक गिर जाता है। तो जब आपके अंदर है ये भावना आएगी कि संसार में मेरा कौन है, भगवान एक मेरा है, दुख में वो साथी है, सुख में वो साथी है, हर पल वो मेरा संग संग, हर पल वो मेरा रक्षक है, मेरा सहायक है। और जिसको मैं, जिस शरीर को मैं मेरा कहता हूं, अपना मानता हूं, वो भी मेरा नहीं। एक दिन मुझको उस शरीर को भी त्यागना है। संसार का कोई वस्तु मेरा नहीं, एकमात्र परमात्मा जो मेरी आत्मा में स्थित है, जो आत्म रूप से पूरे संसार में व्याप्त है, वो तो हर जगह व्याप्त, हर जगह फैला हुआ है। जब हर जड़ चेतन में परमात्मा का वास है तो मैं ममता किससे करूं? संसार के पदार्थ सभी नाशवान, सभी को एक दिन मैं छोड़ना पड़ेगा। एक अविनाशी है तो एक ईश्वर की सत्ता, एक अविनाशी है हमारी आत्मा, आत्म स्वरूप जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं वो अविनाशी है। तो जब मेरा स्वरूप वही अविनाशी आत्म स्वरूप है, मैं ममता किससे करूं? जब तक हमारी चेतना देह में रहती है तब तक देह से जुड़े संबंधों को हम सत मानते हैं और उनके प्रति ममता करते हैं। जिस समय हमें ये बोध होगा ये नाशवान है, इसके साथ जुड़ी सभी वस्तु नाशवान है, तो इसी जन्म में जीते जी हमारे अंदर एक वैराग्य भावना के पैदा हो। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़कर हम जंगल में चले, वैराग्य का मतलब आप पांव के नखून से लेकर सिर तक रजे हो, सब कुछ भगवान ने दे रखा, हर चीज से आप पर्याप्त हो, परंतु आपको किसी से अटैचमेंट नहीं, मोह नहीं, इसको वैराग कहते हैं। ऐसी अवस्था की जब प्राप्त होती है कब? जब हम अपने आप को अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्म स्वरूप में मानते हैं। योग मार्ग यही ज्ञान देता है, ये अनुभूत कराता है कि तुम शाश्वत आत्मा हो, तुम्हारा कोई जन्म नहीं कोई मरण। योगी के लिए जन्म और मृत्यु शब्द मात्र है। योगी कहते हैं जब आत्मा पंच तत्वों से बने हुए घट में प्रवेश करता है उसके उसको हम जन्म कह देते हैं। जब वो घट जर्जर हो जाता है, काम करने के लायक नहीं होता, आत्मा उस घर को छोड़ देती है। जो छोड़ती है वो हम है, हमारी मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु तो शरीर का,
क्योंकि हम लोग शरीर से मोह करते हैं, अटैचमेंट है, इसलिए जब शरीर चला जाता है तो हम बिलकते हैं, कष्ट पाते। ज्ञानी पुरुष के नजरों में आत्मा अजर में चली गई, उसे पुराना चोला छोड़ दिया, नए चोले में प्रवेश कर जाए, ये सोचते हुए ज्ञानी पुरुष मोटापा चला नहीं। ज्ञानी पुरुष कभी भी अज्ञानता के वश में आकर अज्ञानी की तरफ लगते नहीं। इस प्रकार अपने आप को जब हम आत्म दृष्टि से देखते हैं, ममता भी उठ जाता है। लास्ट सबसे बड़ा बाधक आध्यात्मिक पद पर दल दे दे, सबसे बड़ी हम आध्यात्मिक पद पर सबसे बड़ा भी बाधक वो क्या है, अहंकार। जीव अहंकार के घोड़े में चढ़कर अनंत शुभ कर्म करता है। रावण इतना ज्ञानी जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करके अमर तत्व का भंडार ले लिया, वो रावण अहंकार के घोड़े में पड़कर अपना अहंकार का नाश कर दिया। अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकारी भगवान से बहुत दूर है, भगवान प्रसन्न नहीं करते अहंकारी। भगवान कहते जो नम्र है, दीनहीन है, पर हित में रहने वाला है, झुक के चलने वाला है, विनम्र भाव से रहने वाला है, वो मुझको सबसे प्यारा है। नम्रता दीनता दासता ही भगवान को प्रसन्न कर सकती है, नहीं तो हम संसारिक कोई वस्तु लेकर भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इस अहंकार को समाप्त कैसे किया जाता है, ज्ञान के साथ। अहंकार का मतलब अज्ञान, अहंकार का मतलब देह अभिमान, जो देह को ही सब कुछ मानता है, यश कीर्ति जय जयकार इसी को सब कुछ मानता है, वो अहंकारी। जो आत्म सत्ता को मानता है और ये जानता है, बोध करता है कि सारा संसार में एक आत्मा फैली है, सारा संसार आत्मा का रूप, कर्ता करने वाला, भोगता भूलने वाला, हर चीज ये आत्म शक्ति, मैं तो करता हूं, मैं कुछ नहीं करता, सब वो शक्ति कराती, ब्रह्मांड को चलाती है, ब्रह्मांड की सृष्टि करती है। और जब प्रकृति में अव्यवस्था होती है उसका विनाश करती है, इंसान के अंदर सद्गुणों को पैदा करती है, उनका पालन करती है, दुर्गुणों का विनाश करती है, वो पराशक्ति। जब हमें ये बोध होता है पर ब्रह्म परमेश्वर की वो शक्ति व्याप्त है, शक्ति सब चलाती है, तब हमारे अंदर अहंकार चलेगा। इसी बात है, जब हम ये बोध कर लेते हैं मैं परमात्मा से अभिन्न हूं, मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरा, उस समय उसके अंदर से अहंकार पूर्ण रूप से नाश हो जाते हैं। अहंकार जिस वो छोटा सा बच्चा है, वो माँ की गोद में खेलता है, माँ जैसे पालती वैसे पलता है, हंसता रहता है, माँ कितना प्यार करती है, इसके अंदर द्वेष नहीं, भेदभाव नहीं है। उसी प्रकार जो जीव विनम्र होकर सेवा कार्य में रख लेता है, जो जीव विनम्र होकर भगवान से प्रेम करता है, भक्ति पथ पर रहता है, परमात्मा वही जीव ज्ञानवान है, वही जीव अहंकार से रहित है, ऐसे जीव को परमात्मा हमेशा प्रेम करते हैं, ऐसे जीव को
परमात्मा अपनी कृपा पाते हैं। इस प्रकार आज हमने गुरु जी कृपा से क्या पाया, किस प्रकार हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं, कामना क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म कर सकते हैं। ये तामसिक बातें जब खत्म हो जाती है तभी हम भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। भगवत प्राप्ति यानी कि परमात्मा को प्राप्त करना ही मानव जीवन का एकमात्र ध्येय है। इस मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। सदा अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो। दादा गुरुदेव फरमाते हैं थे, मंजिल दूर है अपनी, मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम, जिसके अंदर हमेशा जागरूकता रहती है, पुरुषार्थ रहता है, वो मंजिल को पा लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यही सत्संग समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। वसुदेव भगवान की जय। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, सद्गुरुदेव देवदा भगवान की।